सजा, फिरोज खान को फांसी की सजा, करीमुल्ला को उम्र कैद, अबू सलेम को ताउम्र कारावास, लेकिन संधि की वजह से 25 साल की सजा, जिसमें से 12 साल अबू सलेम भारत की जेल में काट चुका है, यानी बची हुई 13 साल की सजा, और इसके अलावा एक और दोषी रियाज सिद्दीकी, जिसे 10 साल की सजा दी गई है। बड़ी खबर, टाडा अदालत से पांचों दोषियों को सजा सुना दी गई है। सलेम को उम्र कैद मिली है, लेकिन बता दें 25 साल संधि के मुताबिक उसकी कुल उम्र कैद की सजा हुई, जिसमें से 12 साल वो काट चुका है। हम इससे पहले कि जितेंद्र दीक्षित का रुख करें, हमारे साथ यहां पर शीला रावल भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सीधे आपको न्यूज रूम हम लेकर के चलते हैं इस खबर से जुड़ी बड़ी बातों के लिए। रोमाना के पास आज कौन से बड़े फैसले टाडा अदालत की तरफ से आए? रोमाना, बिल्कुल नेहा, जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि इंतजार था मुंबई के गुनहगारों की सजा के ऐलान का, और देखिए अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1993 ब्लास्ट का यह मामला, अबू सलेम समेत पांच दोषियों पर अदालत का यह फैसला आया। प्रत्यर्पण की क्योंकि शर्त जुड़ी हुई है अबू सलेम के साथ, इसी वजह से 25 साल तक की ही सजा संभव है अबू सलेम को। दो मामलों में अदालत ने उम्र कैद, दो मामलों में 25-25 साल की सजा अबू सलेम को सुनाई, और यह सारी सजा कॉन्करेंट मतलब एक साथ मिलकर चलेगी। ताहिर मर्चेंट, फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है, करीम उल्ला को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये 1993 ब्लास्ट केस पे बड़ा फैसला, अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि क्योंकि इसमें प्रत्यर्पण की शर्त शामिल है, इसी वजह से 25 साल तक की ही सजा संभव है, और उसमें भी 12 साल जो है वो जेल में काट चुका है अबू सलेम, तो इफेक्टिव मतलब बचा हुआ जो वक्त रह जाता है वो महज 13 साल की सजा ही रह जाती है। तो सबसे पहले सजा सुनाई गई, करीमुल्ला शेख को उम्र कैद की सजा, अदालत की तरफ से यह ऐलान किया गया। दूसरा नंबर था अबू सलेम का, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, और अबू सलेम को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। तीसरे नंबर पर रियाज सिद्दीकी के मामले में अदालत ने सजा पर फैसला किया, 10 साल की सजा का फैसला रियाज सिद्दीकी पर किया गया। और इसके बाद बारी आई ताहिर मर्चेंट उर्फ ताहिर टकला की, फांसी की सजा का ऐलान अदालत ने ताहिर मर्चेंट के लिए किया। और आखिर में बारी थी फिरोज खान की, फिरोज खान को भी अदालत ने फांसी की सजा का ऐलान किया है। ताहिर मर्चेंट, फिरोज खान, जो शुरू से लेकर आखिर तक इस साजिश को रचने से लेकर उसे अंजाम देने तक शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ी खबर अबू सलेम से जुड़ी हुई, उम्र कैद की सजा का ऐलान अबू सलेम के लिए। लेकिन क्योंकि नेहा प्रत्यर्पण की शर्त जुड़ी हुई है, इसीलिए 25 साल तक की ही सजा अबू सलेम को मिल सकती है नेहा। लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट जो मांगी गई थी सीबीआई की तरफ से, अबू सलेम जेल सलाखों के पीछे, उम्र कैद की सजा अबू सलेम को। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।